तो कुछ लाइंस लिखी हैं। सबसे पहले मैं आप सबकी तवज्जो चाहूँगा इसके लिए, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मोहब्बत मुकद्दर है एक ख्वाब नहीं, मोहब्बत मुकद्दर है एक ख्वाब नहीं, ये वो अदा है जिसमें सब कामयाब नहीं। मोहब्बत मुकद्दर है एक कोई ख्वाब नहीं, ये वो अदा है जिसमें हर कोई कामयाब नहीं। जिन्हें पाना जिन्हें पनाह मिले उन्हें उंगलियों पर गिन लो, जिन्हें पनाह मिले उन्हें उंगलियों पर गिन लो, मगर जो फना हुए उनका कोई हिसाब नहीं। हम अधूरे ख्वाहिशें अधूरी, हम अधूरे ख्वाहिशें अधूरी, तेरी चाहत की तरस में ज़िंदगी निकल गई पूरी। हम अधूरे ख्वाहिशें अधूरी, तेरी चाहत की तरस में ज़िंदगी निकल गई पूरी। और अब थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, और तुम जो फ़कत मिल जाते, फ़कत मतलब अगर, और तुम जो फ़कत मिल जाते तो गुलों में भी गुलशन खिल जाते, और तुम जो फ़कत मिल जाते तो गुलों में भी गुलशन खिल जाते, और जो तू बेवफा ना होती हमारी मोहब्बत कभी फना ना होती, हमारी मोहब्बत कभी फना ना होती। इसी के साथ मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। उससे पहले एक छोटी सी शायरी है, हज़ारों पर मिटने वाला भी खुद हज़ार बार मिट जाता है, हज़ारों पर मिटने वाला भी खुद हज़ार बार मिट जाता है, जब उसे प्यार हो जाता है, जब उसे प्यार हो जाता है। और ये नाचीज़ विशाल क्या चीज़ है जनाब, और ये नाचीज़ विशाल क्या चीज़ है जनाब, खुद खुदा भी कुछ नहीं कर पाता है, जब उसे प्यार हो जाता है, जब उसे प्यार हो जाता है। देखो मोहब्बत तो अक्सर सभी करते हैं, और ये सच नहीं है कि मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है, कईयों को तो बार बार होती है और कईयों को तो हर बार होती है। पर मैं जिस मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, देखो ऐसा होता है कि आप कभी, आपने भी ये महसूस किया होगा कि हम किसी से मिलते हैं जो ऑलरेडी किसी और का है और आप किसी और के हो, पर एक बार उसको देख के ये ज़रूर लगता है कि काश पहले भी हम कभी मिले होते, ये होता है। तो और ये आदमियों के साथ तो ये ज़रूरी नहीं है, वुमेंस के साथ भी होता है, ये होता है लेकिन वो बताती नहीं है, वो बात अलग है। तो उसी पर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, कि मोहब्बत जज्बातों में आई एक छोटी सी चिंगारी है, मोहब्बत जज्बातों में आई एक छोटी सी चिंगारी है, कभी कृष्णा दीवाना था कभी मीरा दीवानी है। मोहब्बत जज्बातों में आई एक छोटी सी चिंगारी है, कभी कृष्णा दीवाना था कभी मीरा दीवानी है। जो कहते थे हमें मोहब्बत दोबारा नहीं होगी, आज उनकी भी कोई कहानी है, इश्क की दहलीज पर उम्र हर वक्त से आनी है। मोहब्बत जिस्मों से नहीं होती मेरे दोस्त, मोहब्बत जिस्मों से नहीं होती मेरे दोस्त, मोहब्बत तो दो रूह के मुतासिल एक होने की निशानी है, मुतासिल मतलब करीब आना, तो मोहब्बत दो रूह के एक होने के मुतासिल होने की कहानी है। आगे मैंने कुछ, अगर तुम कंफर्टेबल होते हो, वो अपना कंफर्ट छोड़ के आती है, सही बात है, तुम कंफर्टेबल होते हो वो अपना कंफर्ट छोड़ के आती है, और तुम्हें अनकंफर्टेबल कर कर खुद कंफर्टेबल हो जाती है। अब ये कैसे होती है, देखो आप अनकंफर्टेबल कैसे होते हो, टावल यहाँ क्यों पड़ी है, बेड पर क्यों खा रहे हो, यहाँ क्यों बैठे हो, होता है, मेरे साथ भी हुआ है। तो सुनिएगा, मस्ती के साथ सुनिएगा, तुम कंफर्ट में होते हो और वो अपना कंफर्ट छोड़ के आती है, तुम्हें अनकंफर्टेबल करके खुद कंफर्टेबल हो जाती है, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें चेंज कर रही है, मगर सही मायने में वो तुम्हें इंसान बनाती है। और बताना चाहूँगा मैं कि खुद कितनी भी प्यासी हो, तुम जब बाहर से आओगे, खुद कितनी भी प्यासी हो, लेकिन तुम्हारे आने पर तुम्हारे लिए भागकर पानी लेके आती है।